समझ रहा हूँ। मैं फिर गुजारिश करूंगा इमरान भाई से को माइक पर तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत आवाज से हम सामाइन को महसूस करें। जनाब इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जी जी जी, मैं मदरसा भी सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ नया सा सुन लीजिए ना। हाँ, कुछ नया सुनाता हूँ। माशाल्लाह, कहाँ से निकल रही है भैया ये आवाज? हाँ हाँ, वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। आपकी जो भी फरमाइशें हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो सब सुना सकूं। आप पूरी बड़ी भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर माशाल्लाह। जिन मेहमानों को जाना है उन्हें विदा कर दिया जाए, तो मैं धीरे धीरे शुरू करूँ। हाँ, सुन लिया मैंने आपकी आवाज, हम तक पहुंच गई है। बहुत अच्छी सीटी बजाते हैं आप, और इससे पता चल रहा है कि आप राह चलते हुए कितनी सीटियां बजाते होंगे, ये समझ में आ रहा है। चलिए, अल्लाह करे आपकी सीटी कहीं पे असर दिखाए और आपके सीटी बजाने का सिलसिला खत्म हो जाए। तो एक बार इन्हीं की तरह एक साहब ट्रैफिक पुलिस में चले गए चचा, तो एक बड़ी बुजुर्ग सी औरत वो स्कूटी लेकर के जा रही थी हेलमेट वेलमेट लगा करके, तो इन ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लगा कि रोका जाए कि पता नहीं इनके पास लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं। तो उसने ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमारे यूपी में सीटी मार के रोकता है, सीटी बजाता है, तो उसने सीटी दो तीन बार मारी, वो बुजुर्ग लेडी रुकी ही नहीं, चली जा रही है अपनी धुन में सिग्नल विग्नल तोड़ करके। कई बार उसने सीटी मारी, जब नहीं रुकी तो उसने साथ वाले सिपाही से कहा कि दौड़ा के पकड़ा जाए। गाड़ी आगे ले जा करके आधा किलोमीटर बाद जब उसने रोका तो पीछे से कहा कि माता जी ये बताइए, इतनी देर से हम आपको सीटी मार रहे हैं और आप रुक नहीं रही हैं। तो माता जी ने कहा कि बेटा, सीटी पर रुकने वाली उम्र निकल गई, अब कहां से रुकेंगे हम। तो ये सीटी इसी तरह मारते रहे अल्लाह करे, और कोई रुक जाए, उनका सिलसिला खत्म हो। मुझे हुक्म दिया गया है कुछ सुनाने के लिए, मैं थोड़ी देर और कोशिश करता हूँ कि आपसे रूबरू रह सकूं, आपके दिल का दर्द गा सकूं। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन जिसे पढ़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन आपकी दुआओं ने वो हिम्मत दी है मुझे कि मैं पढ़ सकूं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक जैसे गुनाह थे दोनों, एक बेजान सा जिस्म है लटकता हुआ, वो शायद यही कह रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि एक जैसे गुनाह थे दोनों, एक जैसे गुनाह थे दोनों, फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों, फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों। सूली याकूब के हिस्से में और सूली याकूब के हिस्से में और ठाकरे के लिए तिरंगा क्यों, ठाकरे के लिए तिरंगा क्यों, फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों। एक जैसे गुनाह थे दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ी देर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मुझे एक नज़्म पढ़नी है। शमीम मेरा बड़ा भाई, नाम भी बड़ा है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कभी एक शेर कहा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं।
और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अपने इस भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, और ये जहां से भी सीटी की आवाज निकल रही हो उनके आसपास जो लोग हों उनसे कह दीजिए कि जब कोई सीटी मारने वाला चेहरा आए तब सीटी मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्द हूँ और मर्दों पर इतनी देर तक सीटियां नहीं मारी जाती। आप अब तो अपना टेस्ट आप लोग सुधार लीजिए। आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जिंदा दिल हैं। अब बेहतर होगा कि ये सिलसिला बंद करें। मैं एक जिम्मेदारी भरी नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरे कई बड़े बुजुर्गों की फरमाइश है। मेरा एक दोस्त है हमजा, वो मुंबई से इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आया, तो उसका भी हुक्म है कि मैं कुछ सुनाऊं एक नज़्म जो वो चाहता है। मैं शुरू करता हूँ एक नज़्म। उस नज़्म की तमहीद में बस इतना कहता हूँ दोस्तों कि शमीम ने जो कुछ बोला वो मेरे दिल का दर्द है। मैं उस दर्द को पूरी दुनिया में गाता फिर रहा हूँ। और उस नज्म की तमहीद में बस एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक इलाका है चचा, जहां एक औरत का इंतकाल होता है, जनाजा रखा जाता है कि अब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, झगड़ा शुरू होता है कि आखिर जनाजे की नमाज पढ़ाएगा कौन। वो लाश रखी रह जाती है और तीन लाशें और गिरती हैं, तलवारें निकलती हैं। हम कहां आ गए हैं, हमने कहां तक का सफर तय कर लिया है? क्या कभी आपने सोचा कि गुजरात में हमारी बहनों को जब घर से निकाल के उनके पेट में त्रिशूल घोंपा जा रहा था तो क्या उनसे पूछा जा रहा था कि तुम बरेलवी हो या देवबंदी हो? नहीं पूछा जा रहा था। मुजफ्फरनगर में भी यह नहीं पूछा गया कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो। आखिर क्यों लड़ रहे हैं? उन्हें तो बस एक चीज से मतलब होता है कि हमारे नाम के सामने मीम लिखा है या नहीं। मैं नज्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के नफरत वाले हर रंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने नफरत वाले हर रंगों ने साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने। ना शियार ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो एक हाथ उठा के मुहर लगाना। के ना शियार ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। यही पैगाम है शमीम का। आप उस शख्स के दर्द को समझें। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे। ये जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। हमारे बड़ों ने क्या गलतियां करी, हमारे बुजुर्गों ने क्या गलतियां करी, छोड़ दीजिए उसे। और आज कसम खाइए, जो भी मेरे हम उम्र नौजवान हैं, कि आज के बाद इंशाल्लाह किसी भी शहर में मसलक की कोई लड़ाई नहीं होगी। ये इंशाल्लाह आपको कसम खानी है, ये आपको अहद करना है। बड़ों ने क्या किया उसे भूल जाइए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे, हमने एक नबी की उम्मत थे ये कैसी खराबी में उलझे, हमने एक नबी की उम्मत थे ये कैसी खराबी में उलझे। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए, 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये इसको अपने सर पर रखिए, ईमान की जो दस्तार है ये इसको अपने सर पर रखिए। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है, गैरों से भी ज्यादा
हम सबको अपने भाई से नफरत है, एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है, एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। और शिवपुर वालों के मस्जिद के मजारों के झगड़े घर बाजारों में लाओगे, मस्जिद के मजारों के झगड़े घर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। मस्जिद के मजारों के झगड़े घर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश का एक बहुत ही कम्युनल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में कहता है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की सिर्फ एक बड़ी बड़ी प्यारी सी चीज है कि मुसलमानों को आपस में शिया सुन्नी में लड़ाओ, मुसलमानों को देवबंदी वहाबी और बरेलवी में लड़ाओ और जितने दिन तक चाहो हुकूमत करो। ऑन द रिकॉर्ड कहा है किसी ने, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती कि मस्जिद के मजारों के झगड़े घर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की दाद चाहता हूं इस मिसरे की, उनको तो हमारे मिटने की इस कीन से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप कलकत्ता के लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत हुनर दे रखा है, बड़े समझदार लोग हैं, तिजारत में बहुत आगे, अल्लाह ने आपको बहुत बिजनेस माइंडेड बनाया है। और शमीम तो अल्हम्दुलिल्लाह, शमीम को काम लेने का हुनर आता है। ये बहुत प्यारा सा चेहरा, मेरी फेसबुक पर मुलाकात हुई थी शमीम से, और शमीम ने कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ा है दोस्तों कि अब इस रिश्ते को इंशाल्लाह जिंदगी भर निभाना है। वो मुझे याद आता है हमसे भाई की एक बार एक चुहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली, सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चुहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे, चुहिया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने चुहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चुहिया के जवाब को मेरा जवाब समझना। चुहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो शमीम से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ा, एक बार मुलाकात हुई, अब इंशाल्लाह इस रिश्ते को पूरी जिंदगी निभाने में बीत जाना है। लेकिन शमीम भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। मैं हिंदुस्तान भर के तमाम जिलों के तमाम जगहों के मुशायरों में जाता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से हर रात मुलाकात होती है, बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरों से मुलाकात होती है, लेकिन जो जोश, जो जिंदा दिली और जो ईमानदारी मैंने आप में देखा है, ये मैं आपकी मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आप काउंसलर हैं, अल्लाह करे ये ओहदा बढ़े, दिन ब दिन और बढ़े, और मैं फिर कभी आऊं तो अल्लाह करे कि इससे बड़े ओहदे पर बैठे हुए शमीम से मुलाकात करो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार, और आप ऐसा कर ले जाएंगे। आप जुआड़ू आदमी हैं, कलकत्ता का आदमी वैसे भी बड़ा जुआड़ू होता है चाचा। वो पिछले दिनों एक कलकत्ता वाला और एक उत्तर प्रदेश वाला और एक मुंबई वाला तीन सफर कर रहे थे। बात चली कि हम जिंदगी में बड़ी मस्ती से जीते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करके एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, हम इस तरह जिंदगी को जीते हैं। ये हुआ कि साबित करो, पहले उत्तर प्रदेश वाले से कहा गया कि तुम साबित करो, उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके उसका सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा, बोला देखा 500 रुपए तो ऐसे मिनटों भर में हम सिगरेट में खर्च कर देते हैं। मुंबई वाले की तरफ नजर गई, कहा गया तुम साबित करो, उसने 1000 की नोट निकाली, 1000 की नोट निकाल करके उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला करके पीने लगा। अब दोनों कलकत्ता वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब तू क्या करेगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता है साहब, यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कलकत्ता वालों ने कहा अच्छा 500 और 1000। उसने अपना ब्रीफकेस खोला,
चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है कलकत्ता का, ये कमाल है कलकत्ता का। कलकत्ता वालों को पता है कि बिना खर्च किए कैसे चीजें हासिल की जाती हैं। उसी तरह से आज आप भी यहाँ पर माशाल्लाह पूरी शिद्दत के साथ जमे हुए हैं और आप भी चाह रहे हैं कि आज एक शायर को शहीद करके ही छोड़ा जाए, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे बहुत देर रूबरू रह सकूं। ऐसे दीवाने लोग, ऐसे मोहब्बत वाले लोग बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। ये मेरे दोस्त का हुनर है कि इतने प्यारे प्यारे लोग इकट्ठा किए हैं। आज तो शमीम ने यहाँ पे मुशायरा कराया, वो पिछले दिनों चचा डाकुओं ने चंबल में मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा। पूरी रात जितना आप दाद दे रहे हैं इसकी दुगनी दाद दे दे करके शायरों को सुना। सारे शायर बड़े खुश, उनको लग रहा था कि कमाल है भाई, जो दुनिया को लूटते हैं, जो दुनिया से लेते हैं, आज वो हमें दाद दे रहे हैं, ये बात कमाल की है। सुबह जब शायरों को पेमेंट देने की बात आई शमीम भाई, तो जितना तय किया गया था उसका दुगना दिया गया, जैसी कि आज भी उम्मीद की जा रही है। जितना तय किया गया था उसका दुगना दिया। सारे शायरों ने सोचा कि यार ये तो कमाल है, जो दुनिया को लूटते हैं वो हमें दे रहे हैं। सारे शायर बहुत खुश। सुबह हुई, मुशायरा खत्म हुआ, डाकुओं ने चंबल की सरहद के बाहर ले जाकर के सारे शायरों को छोड़ करके विदा किया, कहा जाओ। सारे शायर बहुत खुश खुश जब 4-5 किलोमीटर चले आए तो डाकू फिर लौट के आए, और जितना दिया था और जितना पहले से शायरों के पास था सबका सब फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा, भैया जब लेना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा, देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ता है, इसको हम करेंगे। तो आपके भी अपने कुछ काम है, आप उसे करते रहे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना काम करता रहूं। आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, मैं इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा। उससे पहले एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो या शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो। एक जुमला उछला पिछले 3-4-5 महीने से, घर वापसी घर वापसी घर वापसी, रेट लग रहा है साहब 5 लाख का, 5 लाख ले लो, घर वापसी कर लो। आपका एक मिनट के लिए मन मांगता हूं, दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था, उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है, तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैकनेस में पढ़ता हूँ तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ, और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों में बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है, पढ़ता हूँ सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी
का जो बुनते हैं वो ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कसम देता हूँ पीछे तक के हाथ को अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक मैं पढ़ता हूँ के हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं मेरे भारत तेरी आन है शान है मेरे भारत तेरी आन है शान है हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में मैं पढ़ता हूँ या बंद उसके नाम करता हूँ के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हम तो पराए नहीं तेरे अपने हम तो पराए नहीं इस तरह से सितम हम पे ढाए गए इस तरह से सितम हम पे ढाए गए मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूँ किससे कहूँ अपने दिल का दर्द हाँ ये सितम ही तो है हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है ये सितम ही तो है ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है ये सितम ही तो है ये सितम ही तो है आखिर कब तक चुप रहे हम ये सितम ही तो है कि आपके समर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं ये सितम ही तो है साहब
इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है। कि मेरे पुरुषों की जागीरदारी है ये, मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिस्रों के साथ। कि मेरे पुरुषों की जागीरदारी है ये, मत समझना के हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी है, इतिहास उठा के देख लीजिए। ये सिर्फ हमको आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, अभी ताजा बयान आया था शमीम भाई, उस आदमी का बेहूदगी भरी बात उस शख्स ने कही कि मस्जिद कोई खुदा का घर थोड़े ही है, जब चाहो उसे तोड़ दो। मैंने उस दिन से नया उनका नामकरण संस्कार किया। वो सब पे मुकदमा करते रहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो मुझ पर भी मुकदमा करें, क्योंकि मैंने बहुत जायज बात कही है। जब से उस शख्स ने ये बात कही हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाली, तब से मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुअर मरियम स्वामी कहता हूं। और मुझे लगता है कि ये नाम बहुत सही है उस शख्स का। मैं मिसरे पढ़ता हूं, ऐसे तमाम लोगों के नाम मैं मिसरे करता हूं जो हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी एकजहती को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर घर वापसी, घर वापसी का नारा देना है तो मैं नाम गिना रहा हूं, हिम्मत है तो उनकी घर वापसी करवाओ। पढ़ता हूं सुनिएगा, के सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हों वो मुख्तार नकवी या हों शहनवाज। अब समझ जाइएगा तो साथ दीजिएगा, हों वो मुख्तार नकवी या हों शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, मेरी खुददारी बोल रही है इन मिस्रों में, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिस्रों में। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। शमीम भाई, निजाम बदला, हुकूमत बदली, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब लहजा नर्म कर लीजिए, अब उस तरह से मत बोलिएगा जैसे बोला करते थे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से आपकी दुआओं के भरोसे ये कहा था,
कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकवी यहाँ शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना, ये मिसरे मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन उन हाथों को भी कसम दे रहा हूँ, पीछे लगे हाथ उठेगा अगले दो मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, के पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक बहुत छोटे से बहुत मासूम से शायर की जुबान से 800 सालों की तारीख बोल रही है कि पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। क्या करूं, फिर से पढ़ दो जी। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कैसे पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, के पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती हैं? कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए, जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए,
याद करिए जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है, मैं बहुत रोया था इस नज्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुतों के लिए मैं कदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए के कौम सोई है इसको जगाओ आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों, इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाए, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा? अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दो, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए।
मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूँ और मैं दावत देता हूँ अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन आईएएस बन के दिखाएंगे, आईपीएस बन के दिखाएंगे, ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं अपने मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं, इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे, अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगले साल जब मैं यहाँ आऊं तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज या आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहां घोषणा कर रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आप आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूँ, उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, एक एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है, तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब ना हो पाती। बनो, हिस्सा बनो, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान है, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से एक रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूँ, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूँ, जब मैं मुशायरों में आया चाचा तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो नज़में वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि जो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूँ। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टेयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं,
सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूँ, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं, आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं, तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, ये अहद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ दूं, बहुत सारा वक्त हो गया, 11 बजने को आ गए, उसके बाद चूंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, मैं एक मदरसा जी मैं वो भी पढ़ दूं। अच्छा वो चार मिसरे, चूंकि पढ़ाई की बड़ी बातें हो रही हैं, जियाउल हक के चार मिसरे के लिए इनका हुक्म हो रहा है। चूंकि मैं उस जिले से हूं जहां जियाउल हक के साथ वो दुर्घटना हुई, जहां वो हादसा हुआ, बड़ी मशक्कतों से तो लाखों में एक आईपीएस आईएएस या पीपीएस ऑफिसर बन पाता है हमारा, और वो भी जब ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो हम जैसे शायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैंने चार मिसरे कहे, एक बड़ी बात कहता हूं कि जिस शख्स ने वो पूरा वाक्य अंजाम दिया वो मेरे जिले का एक बहुत ताकतवर इंसान है। माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेकर ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूँ कि जब मैं किसी मंच पर खड़ा होता हूँ, किसी माइक पर खड़ा होता हूँ और बोलना शुरू करता हूं, तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं, मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जालिम के मुंह पर उसको उसके जुल्म का एहसास दिला सकूं, क्योंकि ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान का तीन दर्जा है, अगर कोई जुल्म कर रहा है और तुम में ताकत है तो उसके सामने अपनी ताकत से जुल्म को रोक दो, नहीं कर सकते तो दूसरा दर्जा ये है कि अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म कर रहा है तो अपनी जुबान से उसे बुरा कहो, उसके सामने उसे बुरा कहो, और सबसे निचला तबका यह है कि अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो दिल में उसे बुरा मानो और हट जाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे दूसरा वाला दर्जा दे रखा है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। दो मिनट एक नज़्म मुझे याद आ गई नई सी, थोड़ा सा इको हल्का सा कम कर दीजिए। एक बहुत नई सी नज्म याद आई, हिंदुस्तान में अभी तक मैंने उस नज्म को कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ बाहर के एक मुशायरे में इस नज्म को पढ़ा था। कोई तमहीद नहीं बनाऊंगा, बहुत बहुत दर्द दिया इस नज्म ने मुझे एक हादसे ने, वो नज्म आपको सुनाता हूं। कल रात मेरी बिल्कुल नहीं सुना है आपने इस नज़्म को। कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई,
बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, कल रात मेरी आँख, कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। सोशल मीडिया के जरिए वो तस्वीरें हमारी आंखों तक आई थी, आप सबने भी देखा था। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे मुल्क चुप हैं, सब सब चुप हैं कि दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते। अब सारे मसीहा, अब सारे मसीहों की गैरत कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। तसव्वुर करिए, खबरें ऐसी थी साहब कि कश्ती में बिठा करके उतार दिया गया समंदर में, उस तरफ का कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं, ना श्रीलंका लेने को तैयार है, ना बांग्लादेश लेने को तैयार है, ना पाकिस्तान लेने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं। महीनों महीने गुजर जा रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, शायद शायर हूँ, अल्लाह ने बहुत हसास तक दिल दे रखा है। ये सब तस्वीरें बड़ी रुलाती रही मुझे, मैं बंद पढ़ता हूँ। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, के कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है, है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है, बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, बर्मा उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, दुनिया भी चुपचाप है सोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत बहुत सारा